बहू। अरे वो बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही थी। अरे बहू खटाई खा रही हो, इसका मतलब बहुत जल्द मैं दादी बनने वाली हूँ और हमारे घर एक छोटा सा सदस्य आने वाला है। अरे माँ जी जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। रात को ज्यादा पी ली थी, ससुरी उतर नहीं रही है इसलिए उसे उतारने के लिए खटाई खा रही हूँ। अरे बहू तू दारू पीती है, मुझे तो आज मालूम चला। आने दे मेरे बेटे को, आज तुम्हारा सारा नशा उतरवाती हूँ। आने दीजिए माँ जी, मुझे उनसे डर नहीं लगता और दारू पीना तो उन्होंने ही सिखाया है। अरे नहीं माँ, वह तो मजाक कर रही है, उसे सर्दी खांसी बहुत जोर से हो गई थी और लोग कहते हैं कि दारू को उबाल कर पीने से सर्दी खांसी सब दूर हो जाता है, इसलिए मैं उसको एक घूंट पिला दिया। अरे बेटा ये दारू पीने से सर्दी खांसी दूर होती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दारू पीने से लोग की सैकड़ों बीघा जमीन और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, वह आगे से नहीं पिएगी। और भगवान तू मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से खाना बना लो, खेत पर भी चलना है। क्यों जी अभी तो 8 बजे हैं और हमारा खाने का टाइम तो 11-12 बजे है। अरे बहू तुझको पता नहीं है अपने खेतों में सरसों पक गई है, उसे काटने चलना है। और फिर हम तो किसान लोग हैं, अगर हम लोग 11-12 बजे खाना खाएंगे तो खेत में काम कब करेंगे? देखो जी माँ जी मुझे खेत में काम करने को बोल रही है, मैं नहीं जाऊंगी खेत में, तपती धूप में काम करने से मैं काली पड़ जाऊंगी। अरे भगवान हम किसान हैं और हमारा गुजारा खेतों से होता है, कुछ भी हो लेकिन हमें खेतों में काम करना ही पड़ेगा। देखो जी आप मजदूर लगा कर काम करवा लीजिए, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। अरे ये कैसी बदतमीजी है, कब से बकवास किए जा रही हो? मजदूर लगा कर काम करेंगे तो उसका पैसा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? देखो माँ जी आप मुझसे बकवास मत कीजिए, नहीं तो मैं आपकी चोटी पकड़ कर घसीट दूंगी। अरे देख बदतमीज लड़की तुम भी बंदरिया की तरह उछल कूद मत कर, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों, सास बहू का रिश्ता तो माँ और बेटी की तरह होता है, फिर आप दोनों क्यों झगड़ रही हो? आप लोग को बहुत आदमी देख रहा है, अपने दोस्तों से पूछ लीजिए कि सास बहू का रिश्ता कैसा होता है। हाँ दोस्तों आप लोग बता दीजिए कि बहू को सास से